चंदौली नक्सल प्रभावित चकिया विधानसभा में मतदान खत्म हो गया है। ईवीएम सील कर पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। अभिकर्ताओं के सामने ईवीएम सील हो रहा है। सीलिंग के बाद सभी ईवीएम नवीन मंडी स्ट्रांग रूम में जमा होंगी। दरअसल निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्र में मतदान स्थलों पर की प्रक्रिया सोमवार की शाम 4 बजे समाप्त हो गई। तय समय से 2 घंटे पूर्व मतदान समाप्त होने के बाद बूथों पर मतदान कर्मियों ने भी बस्ता समेट लिया और वापसी की राह पकड़ने लगे। चकिया सुरक्षित 383 सीट पर 60% से अधिक मतदान के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो 1% कहा जा रहा है। बता दें कि चकिया विधानसभा सीट से सपा ने पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार, भाजपा ने कैलाश खरवार और बसपा ने विकास आजाद को प्रत्याशी बनाया। सपा और भाजपा के बीच रोचक लड़ाई देखने को मिल रही है। कौन जीतेगा यह 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन जीत हार का अंतर बेहद कम होगा। चंदौली से पवन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, SKH न्यूज़।